भैया नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, चश्मा उश्मा पहन लिए हैं और अभी हम हैं इस समय आशापुर चौराहे पे और संडे के दिन है तो घूमना फिरना बनता है। सप्ताह में पूरे दिन काम करके आज छुट्टी मिली तो घूम फिर लें और सावन का महीना चल रहा है उसमें हमारा पूरा शहर एकदम भोलेनाथमय हुआ हुआ है और हमारे मित्र साथ में हैं जो हमेशा की तरह हमारे सुभाष गांगुली जी। तो घर से निकलते में पूरे में ब्लॉग बनाए नहीं, अभी हम पहुँचे हैं सारनाथ, पड़ाव से सारनाथ आए हैं और ये हम लोग अभी हैं आशापुर चौराहे पे। ये आशापुर चौराहा है, वहाँ पे चौकी बनी है, बस अब इसके आगे सारनाथ पड़ेगा। गाइस हम लोग अभी आशापुर चौराहे से सारनाथ की तरफ प्रवेश कर गए हैं और चौराहे के अंदर ही आप आओगे तो यहाँ पे आपको पूरा हरियाली भरा माहौल मिलेगा, पेड़ वादियाँ मस्त है, चोचक का तो मज़ा आएगा। और इसमें मौसम सुबह से अच्छा था, बादल थे, इस समय थोड़ा धूप छाव लगा हुआ है। अब जैसे महादेव की इच्छा, अगर धूप में घुमाना चाहते हैं तो वही सही। और यहाँ पर खाने पीने की भी उत्तम व्यवस्था है, काफ़ी सारे लोकल रेस्टोरेंट हैं, वहाँ आपको खाने पीने चीज़ें मिल जाएंगी और बाकी सड़क के किनारे भी गोलगप्पे और फास्ट फूड कॉर्नर काफ़ी कुछ मिलता है। तो एक बात कहते हैं कि बनारस में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, वो भी बजट में। अगर आप बाहर से आ रहे हो और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोकल स्ट्रीट में भी खा पी सकते हो, मस्त पेट भर जाएगा, आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। दोस्तों बनारस साफ़ सफाई के मामले में भी काफ़ी बहुत विकास हुआ है, मोदी जी हमारे बहुत अच्छा काम किए हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नगर निगम में गाड़ियाँ रखी हुई हैं जो कि पूरे दिन भर हम लोग की सेवा में लगे रहते हैं लोग, इसलिए समाज की भलाई इसी में है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, गंदगी न फैलाएँ। दोस्तों हम लोग आ गए सारनाथ और बाइक खड़ी कर दिए हैं, बाइक के साथ हेलमेट भी लगा दिए हैं क्योंकि हेलमेट लेकर ढोएंगे तो फिर घूमेंगे कैसे। और बहुत भीड़ है यहाँ पे, सोचे थे कि सुबह ही आएंगे लेकिन काफ़ी भीड़ है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमारी पुलिस पूरी चौकस चौकन्नी है। दोस्तों बाइक में लॉक तो है नहीं लेकिन हेलमेट लगाएं, उसी में रिस्क है, बचा रहा तो अपना, अब कोई ले गया तो उसका, क्योंकि इससे पहले एक हेलमेट हम बाइक में रख के गवा चुके हैं। और यहाँ पे पूरा ये खाने पीने की चीज़ें आराम से आपको बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे, ये जितने दुकानदार इन सब थोड़ा बच के रहिए, ये सब बहुत भिड़ाते हैं लंबा। दरअसल ये सारे सैलानियों को, विदेशी सैलानियों को अच्छा चुना लगाते हैं, तो आप लोग अगर लोकल हो तो इन सब से लेने से कम बचो ही। बाकी खाने पीने में स्टॉल है, गोलगप्पा है, चाट समोसा सब है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं सारनाथ मंदिर में और ये है तिब्बत मंदिर सारनाथ। सुबह जब निकले थे तो मौसम अच्छा था, इसमें काफ़ी धूप हो गई है, पसीना भी हो रहा है तो चलते अंदर घूमते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं सारनाथ मंदिर में और ये सारनाथ का तिब्बत मंदिर है, देख सकते हैं काफ़ी पुराना है और बहुत ही बेहद ही शानदार मंदिर है। मंदिर का मुख्य द्वार ये रहा, मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप अपने सैंडल जूता सब स्टैंड में रखे उतारिए, फिर उसके बाद शांतिमय से मंदिर में प्रवेश करिए। यहाँ के कुछ नियम है कि आप मंदिर में प्रवेश करिए तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए और शांति व्यवस्था को कायम बनाए रखिए।
जब भी जाएं तो वहाँ पे विशेष एक बात का ध्यान रखें कि शोर शराबा बिल्कुल न करें और फ़ोन अपना स्विच ऑफ करें। मंदिर की सबसे खास बात है कि दीवार पे गौतम बुद्ध के पूरे जीवन की चित्र कहानी के रूप में दर्शाई गई है, जो काफ़ी अपने आप में बहुत ही बढ़िया और क्या कहें, मेरे पास शब्द ही नहीं। आप एक राउंड इसका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी थी सारी घटनाओं को एक चित्र के माध्यम से पूरे दीवार पर उतारा गया है, जो कि बेहद ही सराहनीय है। और मैं तो, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से तारीफ करूं। दोस्तों अभी हम लोग गौतम भगवान का दर्शन कर लिए, काफ़ी सुकून शांति मिला। उसके बाद एक स्थान ये है यहाँ पे, उन्होंने अपने सबसे पहले, जिस वजह से ये पूरा सारनाथ फेमस है, 5 शिष्यों को पहली बार जब ने दीक्षा दी है उन्होंने, उसके एक प्रतिमा अंदर बनी हुई है। आइए अंदर देखते हैं। रूप बना है जहाँ पे उन्होंने भी पहली बार अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दी थी, जिस वजह से सारनाथ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चक्र कहा जाता है, इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा लिखे हुए सारे वाक्य हैं जो वो पूरे संसार में फैलाना चाहते थे, उन वाक्यों को इस धर्म चक्र को सरवा गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर इसे हम मूव करते हैं तो इसको घुमाने से ये पूरी दुनिया में ये वाक्य इनके फैलेंगे, ऐसी मान्यताएँ हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने भी सैलानी आते हैं तो इसको घुमाते रहते हैं। दोस्तों ये कि गौतम भगवान की मूर्ति लगी है, इसके बाद साइड में उनके जितने पूर्वज रहे हैं उनके सारे पूर्वजों की मूर्तियां, ऐसा कहा जाता है कि इनके सारे पूर्वज हैं जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी हुए हैं। ये सभी का नाम भी यहाँ पे अंकित है, धम्मदस्सी और प्रियदर्शी, सुजाता, सुमेधा, ये इनके सारे पूर्वज हैं। इनकी पूरी, मतलब अगर आप सारनाथ में विजिट करने आते हो तो बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने यहाँ पे धर्म चक्र घुमा लिया और गौतम बुद्ध के जितने पूर्वज थे उन सभी के दर्शन कर लिए।
उसके बाद इसी प्रांगण में एक बहुत ही हजारों साल पुराना ऐतिहासिक घंटा पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत ही बारीक लाइट शब्दों में कुछ उनके लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, जो कि हर शाम को जब ये पूरा प्रांगण बंद होता है तो उसमें ये घंटा बजता है, ऑफिशियली से बजाया जाता है, और ये आम पब्लिक को परमिशन नहीं होती कि इसको आदमी टच करे। और ऐसे जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उस पर सभी पे गौतम बुद्ध के विचारों के बारे में, उनके जीवनी के बारे में अंकित है, ताकि उनका उनके विचारों का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो सके। और ये जब ये बजता है तो उसकी वाइब्रेशन एक अलग ही किस्म की पॉजिटिवनेस आपके मन मस्तिष्क में लाती है। अगर आप शाम तक रुकते हैं जब ये प्रांगण बंद होता है तो उसमें आप इसके घंटे की आवाज़ को सुन सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्राकृतिक और बहुत मनोरम होता है। दोस्तों दर्शन पूजा इधर का तो हुआ और फ़ोटो वोटो भी पूरा खिंचवा लिए। काफ़ी बढ़िया जगह है, अगर आप बनारस में आ रहे हो तो ज़रूर आप यहाँ पे आके एक बार सारनाथ आप दर्शन करिए, घूमिए फिरिए, बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा यहाँ पे। और इसके बाद अब इसी में चिड़ियाघर भी है, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो चिड़ियाघर भी ज़रूर जाएँ। और हम तो बच्चों के साथ है नहीं, हम तो अकेले हैं अभी, वो हमारे एक मित्र हैं, फिर भी हम चलेंगे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर घूमने के बाद फिर शाम को यहाँ पे मेला लगा हुआ है, सावन का महीना चल रहा है तो मेला लगा है, मेले में झूला वगैरह सब है, तो मज़े करेंगे झूला झूल के। अभी हम लोग मंदिर के बगल वाले साइड में, और अब हम लोग जा रहे हैं डियर पार्क चिड़ियाघर की तरफ। और सावन का मेले में देखिए हमारे कांवरिए भाई आराम कर रहे हैं विश्राम मुद्रा में। महादेव महादेव भाई मिल गया, मिल गया, धक्का मुक्की खाते हुए टिकट मिल गया मुझे। बिना टिकट प्रवेश वर्जित है, 20 का टिकट दिए वो भी फाड़ दिया था। यहाँ पर कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, यहाँ पे साफ साफ बोर्ड पे लिखा है कि जितने भी जानवर पक्षी हैं उनको परेशान ना किया जाए, एक बंदा वहाँ पे डिस्टर्ब किया जा रहा है। या अगर यहाँ पे बत्तख वगैरह सब देख लिए, अब कराते हैं आपको मगरमच्छ के दर्शन। मगरमच्छ भी है यहाँ पे, और पूरा ये प्रॉपर जाली से पूरा सुरक्षा को देखते हुए सब मस्त चौकस व्यवस्था है। मगरमच्छ यहाँ पे होता है शायद अभी पानी में गया दोस्तों। यहाँ पे आपको हिरन देखने को मिलेगा, देखिए ये सारनाथ का सबसे बढ़िया जगह कह सकते हैं, मिली जू जैसे बोलते हैं। आपको आपको हिरन, बारहसिंघा, ये सारे झुंड में मिलेंगे। सड़क पर चले तो संभाल कर चले, अभी हमारे सुभाष सर भी एक ऑटो से ठूकते हुए बचे हैं जी, और ऑटो भी लौटते हुए बचा है, ऑटो लौटते हुए बचा। Thank you.
कितने चक्कर हैं? पता नहीं, देखो 50 रुपये टिकट तो लिया है, उसमें कितना ही घुमावे। यहाँ अब तक का सबसे ऊंचा झूला है ये। बस झूलने में फटे ने पैंट। नट बोल्ट चेक किया कि नहीं? हिला के देख लो, एसी हिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बंद कर आग बंद। चलो हो गया खत्म, ये वाला झूला तो झूल लिए, मज़ा भी आया और मज़ा भी आया। अब अगला नंबर हम लोग का इस वाले पे है। गंगा जी के नाम में तो बहुत बैठे हैं, अब हवा के नाम में बैठते हैं हम लोग। टिकट सी कट गई है और अब यहाँ पे नंबर आने का वेट। दोस्तों हम लोग बैठ गए हैं पूरे जोश के साथ, तो एक झूला झूल के आए, उसमें थोड़ी फटी, जो बच्ची खुद से यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ए बेटा कहाँ बैठ रहे हो बेटा? इसमें बैठा यार, घुमाई फराई हो गया, सब सब घूम लिए, फिर लिए, झूला भी झूल लिए, गोलगप्पा भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा लिए। भाई साहब झुमका बेच रहे थे, कैसे गया कि झुमका? 30 रुपये मात्र, कोई भी बहुत सस्ता देते हैं, बहुत मेला का आनंद ले रहे हैं, तो हम भी कहें ले जाओ। बहुत बढ़िया झुमका है, अगर आप सिंगल हो तो आप काम करिए, अगर कोई है स्पेशल आप झुमका ले सकते हैं, झुमका लीजिए, झुमका ज़रूर पसंद आएगा और इससे आपका रास्ता भी समाप्त। हम भी देखते हैं, कुछ झुमका लेके जाएंगे, देखते हैं शायद मैडम को पसंद आए, प्राइस नहीं बताएंगे हमको कितनी से मिलता है। दोस्तों मैं आ गया अपने गाड़ी के पास और इसमें ये हेलमेट लगा हुआ है, मैं सोच रहा था कि कोई हेलमेट लेके चला जाएगा। तो आज का वीडियो ख़त्म हुआ, और ब्लॉग पसंद आए तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो लोग सारनाथ से हैं, जो लोग सारनाथ को पसंद करते हैं। चलो तो जहाँ भी रहिए मस्त रहिए और धूम मचाते रहिए। जय हिंद।